हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम इविन आदि जॉर्ज एन। आज हम अपने मोमेंट्स का लास्ट चैप्टर करेंगे जिसका नेम है दी बेगर। सो ये एक बेगर की स्टोरी है एंड इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे बेगर को किसी ने इतना मोटिवेट किया कि उसने बेगिंग छोड़ के कुछ अच्छा काम किया और एक अच्छी पोजिशन तक पहुंच गया। सो स्टोरी बिगिन होती है, ये जो बेगर है वो डेली की तरह भीख मांग रहा होता है एक जगह पे, और वो साथ में ये चीज बोल रहा होता है कि मैं एक स्कूल में टीचर था एंड वहां पे किसी कंट्रोवर्सी की उसमें मैं फंस गया जिसकी वजह से मुझे वहां से निकाल दिया है। अब मेरे पास 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, प्लीज मेरा विश्वास करो, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वो इस तरह से ये सब बोल रहा होता है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं बेगर्स भीख मांग रहे होते, तो उस तरह से वो कर रहा था। तभी वहां से एक एडवोकेट सर जी निकलते हैं। ये जो इसकी प्रोनंसिएशन है वो ऐसा लगेगा कि हम बोल रहे हैं सर और जी, सर जी, बट यहाँ पे इनका नेम है सर जी। तो यहाँ से ये निकल रहे होते हैं और वो उस बेगर की तरफ देखते हैं, उसकी बहुत डल आईज होती है, उसने एक क्रीम से कलर का कोट पहना होता है एंड उसके जो चीक्स होते हैं उसपे रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो वो उसको देख के सोचते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे देखा हुआ है। और जो बेगर है वो आगे बोलता है कि अब मुझे एक बहुत अच्छी पोजीशन का ऑफर आया है, प्रोविंस ऑफ कालुगा में एक बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर आई है मुझे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहां तक जा सकूं, तो प्लीज मेरे को कोई भी हेल्प करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है मांगते हुए, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब सर जी का ध्यान उसपे ऊपर होता है, उसकी बातें सुन रहे होते हैं एंड उनका ध्यान जाता है उसके शूज के ऊपर। तो वो देखता है एक जो शू होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और एक शू साइज थोड़ा छोटा होता है। तो वो वहां पे एकदम से उन्हें याद आता है कि मैंने इसे कहां देखा था। तो वो उस बेगर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कल ही तुमने मैंने तुम्हें किसी और सीट पे देखा था और वहां भी तुम कह रहे थे कि तुम कोई स्कूल के स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया है। तो वो बेगर कहते हैं नहीं नहीं वो मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। तो बेगर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन जो सर जी होते हैं वो बहुत श्योर होते हैं कि वो यही था। तो वो उसको बोलते हैं कि वो तुम ही थे और अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा। पहले तो वो बहुत उसको बोलते कि नहीं नहीं अगर आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लो ये वो, बट देन जब वो पुलिस की धमकी देता है तो बेगर भी डर जाता है और वो उनको बताता है कि हाँ हाँ सॉरी सॉरी मुझे ये सब करना पड़ता है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं कैसे खाना वाना खा पाऊंगा। तो वो उससे पूछ बताता है कि एक्चुअल में मैं एक रशियन कॉर्ड में गाने गाता था, बट क्योंकि मैं ड्रिंक करने की हैबिट है मुझे, तो इसलिए मुझे वहां से निकाल दिया था और अब मेरे पास और कमाने का कोई भी जरिया नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी स्टोरीज बनानी पड़ती है, ये सारी इमेजिनरी स्टोरीज मैं अपने आप कहानियां बना के बोलता हूँ ताकि कोई मेरी हेल्प कर सके। तो सर जी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, वो पूछ रहे कि तुम कोई काम वाम क्यों नहीं करते। तो वो आगे से कहते हैं कि क्या काम करूं, कोई काम है ही ऐसा, कोई काम ही नहीं है जो करके मैं कमा सकूं ये वो। तो सर जी उससे पूछते क्या तुम लकड़ियां काट सकते हो, तो वो बोलते हैं हाँ काट तो सकता हूं पर जो प्रोफेशनल वुड कटर्स होते हैं आजकल तो उनके पास भी काम नहीं है तो मुझे कैसे काम मिलेगा। तो सर जी उन्हें बोलते कि मेरे साथ चलोगे मैं तुम्हें काम देता हूँ, तो वो कहते हैं कि ठीक है और वो उनके साथ चला जाता है। अब जो सर जी है वो बेगर को अपने घर तक लेके जाते हैं और वहां पे उनकी एक कुक होती है जिसका नाम है ओल्गा। तो वो अपनी कुक को बुलाते हैं और बोलते हैं इन जेंटलमैन को बाहर की शेड में ले जाओ, फुट शेड में, और इनसे लकड़ियां कटवाओ। तो जो वो जो होता है बेगर, ऑब्वियसली उसका मन नहीं होता, इतना थका हुआ होता है, इतना भूखा होता है, उसका बिल्कुल मन नहीं होता काम करने का, लेकिन क्योंकि वो अपनी ही बातों में इतना उलझ गया था उसको ये काम करना पड़ता है। तो वो उसके साथ जाता है और बहुत ही उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और वहां से जो सर जी है वो अपने ड्रॉइंग रूम में जाते हैं, विंडो से देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जो कुक है वो उसको वहां तक लेके गई है और देन को कुक भी पता नहीं क्यों बहुत ही गुस्से में उस बेगर को देख रही होती है, उसकी एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसको बेगर को देख रही है और गेट को पटक के बाहर चली जाती है। तो वहां से विंडो से सर जी देखते हैं कि वो बेगर क्या करता है, एक लकड़ी का लॉग होता है उसपे वो आराम से बैठ जाता है और अपने ही थॉट्स में खो जाता है। फिर कुछ मिनट्स बाद जो कुक है वो फिर से उसके पास जाती है और उसको जिससे लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी होती है वो उसको देती है जिससे वो लकड़ियां काट सके। और उसके बाद वो एक लॉग उठाता है, रखता है, जैसे ही उस पे मारने लगता है तो वो लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तो वो फिर से उसे उठा के रखता है और दोबारा कोशिश करता है, वो इतने आराम और प्यार से कर रहा था क्योंकि उसे डर लगता है कहीं मेरा हाथ ना कट जाए, मेरी फिंगर ना कट जाए या ये कुल्हाड़ी मेरे पैरों पे ना गिर जाए। तो वो उसको बहुत ही आराम और प्यार से कर रहा होता है। अब ये सब जब सर जी देख रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा बुरा
लगता है कि यार वो इतना ज्यादा वीक है, बीमार सा लग रहा था और इतनी ठंड में मैंने उसे इस काम में लगा दिया है। बट उसके 1 घंटे बाद फिर जो कुक है उलझा, वो आती है सर जी के पास और बताती है कि वो उसने लकड़ियां काट दी है, सारी लोग काम हो गया है। तो सर जी उसे बोलते हैं कि ठीक है तुम उसे हाफ ऑफ अलाउंस दे दो। बेसिकली ये करेंसी होती है जो हमें चैप्टर में बताई गई है, तो उसको वो पैसे देने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि उसे बोलना कि वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को आ सकता है, हम उसे कोई ना कोई काम दे देंगे और इससे वो हमसे यहाँ से पैसे ले सकता है। तो वो ऐसे ही करते हैं, कुक जाके उसे बता देती है और देन उसे जो पैसे देते हैं वो दे देती है। अब ये जो बेगर है वो हर मंथ की फर्स्ट डेट पे आ जाता है और वहां पे अगेन काम करता है और अपने पैसे ले लेता है। तो वो अब जब आता है तो वो बहुत ही वीक लग रहा होता है, जैसे बहुत ज्यादा वो कमजोर सा डल सा दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना सारा काम जो जो उसे दिया गया था वो काम करता है, पैसे लेता है और चला जाता है। तो इसी तरह से कभी जो जिस वुडशेड में वो काम करता था वहां पे सभी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का काम देते थे, कभी उसे जो मेट्रेसेस और रग्स होते हैं उनको झाड़ने का काम मिलता था, तो वो ये सारे छोटे मोटे काम कर देता था एंड देन उसको उसके बदले कुछ पैसे मिल जाते थे। कभी सर जी उसको कोई पुराना ट्राउजर पड़ा होता था तो वो दे देते थे। तो इस तरह से काफी टाइम निकलता गया। अब सर जी अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहां से न्यू घर में शिफ्ट कर रहे थे, तो वो उसको फिर से बुला लेते हैं कि जो भी यहाँ पे काम होगा फर्नीचर मूव वगैरह करने का तुम उसमें हेल्प कर देना। तो वो आ जाता है। अब जब वहां पे वो आता है ना तो अगेन वो बहुत ही डल सा लग रहा होता है और बहुत ही बुरी सी कंडीशन में थका हुआ सा इस तरह से वो अपियर हो रहा होता है। लेकिन इस सब के बाद अब वो जितने भी फर्नीचर्स हैं उसको हाथ लगाने में बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उसने काम कर दिया। वो मोस्टली जो वैगन से उनके पीछे पीछे चल रहा था और उसको बीच में एक बात पे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि वहां जो बाकी के लोग थे जो वहां पे काम करवाने आए थे वो उसके कपड़ों को देख के जिस तरह का उसने कोट पहना हुआ था उस तरह से उस पे हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो उसको बहुत एम्बैरेसमेंट होती है जब लोग उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। उसके बाद वहां पे सर जी देखते हैं कि इसने इतना सारा काम करवाया है तो वो उसको बुलाते हैं और पूछते हैं, अब मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब तुम मेहनत से काम करते हो और कुछ किसी भी काम को करने से पहले हिचकिचाते नहीं हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो उसको पैसे देते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम कोई अच्छा काम करो। तो वो उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है, उसका जो बेगर है उसका नेम होता है लश्कोफ। तो वो अपना नेम बताता है तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम लिख सकती हो, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे लिखना आता है। तो वो उसको एक लेटर हैंड ओवर करते हैं, सर जी लश्कोफ को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि इस जगह पे मेरा कोई फ्रेंड रहता है, ये लेटर लेके तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें एक अच्छा सा काम दे देगा। तो वो ऐसा ही करता है, देन उसके बाद वो कभी भी यार्ड में उनको नहीं दिखा। देन कुछ टाइम बीत गया, 2 साल बाद एक बार जो ये सर जी है एडवोकेट वो किसी थिएटर में जाते हैं, वहां पे कोई शो वगैरह कुछ होगा वो देखने जाते हैं। तो वो देखते हैं जब वो टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं तो उनसे उनके साथ में एक आदमी खड़ा होता है जिसने बहुत ही बढ़िया कोट पहना होता है, फर वाला, कर्ली फर वाला जो कोट होता है इस तरह का उसने ड्रेसअप होता है। और जो आदमी है वो टिकट ले रहा होता है, जो गैलरी होती है उसकी टिकट एक परचेज कर रहा होता है, तो वहां पे उसको कॉपर कॉइन्स देता है और वो टिकट परचेज करता है। और तभी वो सर जी है वो पूछते हैं क्या तुम लश्कोफ हो, तो वो उससे जब पूछते हैं तो वो पलट के देखता है तो बोलता है हाँ हाँ, फिर वो उसको बता दे तुमने पहचाना मुझे, तुम तो बहुत अच्छी लग रहे हो, ये है वो है, इससे सवाल पूछते हैं कैसे हो तुम, क्या चल रहा है, सब काम वाम ऐसा चल रहा है। तो वो उसको बताते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं नॉटरी बन गया हूँ और मुझे मंथली 35 रूपल्स मिलते हैं। तो सर जी है वो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं और उसको बताते हैं कि मैंने तो तुम्हारे को सिर्फ एक थोड़ा सा पुश दिया था, देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो वो इस तरह से बताते हैं जब तुम मेरे को मिले थे तब तुम किस कंडीशन में थे और आज तुम देखो कितनी अच्छी कंडीशन में हो गए। तो आगे से लश्कोफ बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप ना होते तो शायद मैं आज भी वही टीचर और स्कूल की कहानियां स्टूडेंट बन के लोगों को सुना रहा होता और कभी भी इतना सक्सेसफुल इतना अच्छा नहीं बन पाता, मैं आपका और आपकी कुक का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, वैसे तो आपने ही मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अगर कुक सच बताऊं तो असली क्रेडिट आपकी कुक को जाता है, अगर वो ना होती तो शायद मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो जो सर जी है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं या सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो वो उससे पूछते हैं कि ऐसा कैसे क्या किया उसने। तो वो उन्हें बताता है कि जब मैं आपके घर आया था और आपने मुझे लकड़ियां काटने का काम दिया था, तब जब मैं वहां जाके काम करता था तो जो आपकी कुक है वो मुझे
बहुत कुछ सुनाती थी कि तुम ऐसे ही रहोगे, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी किस्मत ऐसी है, ये वो करके मेरे को इतना कुछ सुनाती थी और फिर मेरे साथ बैठ के रोने लग जाती थी, उदास हो जाती थी बहुत ज्यादा। और जैसी मेरी हालत थी, जितना मैं मेरे से काम वाम नहीं होता, मुझसे लकड़ियां नहीं मिलती, तो वो सारी जितनी लकड़ियां तोड़ने का काम था वो आपकी कुक करती थी। आप शायद मानोगे नहीं इस बात को, लेकिन आज तक मैंने आपके घर पे एक भी लकड़ी नहीं तोड़ी, वो सारा काम कुक करती थी और मुझे पैसे मिल जाते थे। तो मुझे नहीं पता कि कैसे वो, उसका जो ये नेचर है जिसमें वो मुझे सुनाती भी थी और मेरे लिए केयर भी करती थी, मेरे लिए रोती भी थी, मेरा काम भी कर देती थी, उसकी इस बिहेवियर की वजह से मैं इतना चेंज हो गया। मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया और मेरा काम में ध्यान बढ़ने लग गया। तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक यू थैंकफुल हूँ। और इसके इसको कह के वो बोलते चलो अब मुझे चलना चाहिए, एंड देन वो थिएटर की तरफ चला जाता है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, ऑल्सो पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी और अब इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू स्टोरीज। टिल देन टेक केयर एंड बाय।